कोटड़ा के वागावत गांव में उमड़ा आस्था का ज्वार, देवरों में स्थापित की गई धूमधाम से देव प्रतिमाएं, उदयपुर जिले के सुदूर जनजाति क्षेत्र कोटड़ा में यहां माघ महीना लगते ही आस्था का ज्वार उमड़ पड़ता है। भक्त अपने भगवान को सिर पर धारण कर गांव गांव घूमकर देवरों में मूर्तियां स्थापित करने की परंपरा है। जहां आदिवासी समाज सदियों से ही प्रकृति पूजक रहा है, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में माघ महीना में देवी देवताओं के हिसाब से पवित्र महीना माना जाता है। इस माह भोपे शराब आदि नशे से दूर रहते हैं, नंगे पांव बिना जूते पैदल चलते हैं, खाट पर नहीं सोकर दरी बिछाकर सोते हैं, देवरों में मूर्तियां चढ़ाते हैं। ये मूर्तियां मोलेला राजसमंद से लाई जाती है, जो टेराकोटा मिट्टी की कलाकृति के लिए आज भी विश्व प्रसिद्ध है। मूर्तियों को भोपा लोग अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, बुआ के घर ले जाते हैं, जहाँ उनका परंपरा अनुसार स्वागत सत्कार किया जाता है। साथ ही देवता को भी भोग लगाया जाता है। जिन परिवारों में मूर्तियां ले जाया जाता है, वहां उस परिवार में देवी देवता का उनका आशीर्वाद रहता है। भगवान आसुरी शक्तियों से दूर रखता है, सुख दुख में साथ देते हैं। जहां उन मूर्तियों की आरती के बाद समस्त भोपों व पुजारियों को खाना खिलाया जाता है और रात्रि जागरण के बाद लड्डू बाटी चूरमे का भोग लगाकर ग्रामीणों को प्रसाद वितरण कर भक्त उन्हें भक्ति भाव के साथ देवरों में स्थापित करते हैं। Thank you.
Thank you.